भैया मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगा। राम ने लक्ष्मण को बहुत समझाया लेकिन भैया नहीं माना। प्यारे भाई बहनों देखिए, एक वो भी भाई है जो राम बन के लिए जा रहे हैं तो अपने भाई को अकेला नहीं भेज रहे हैं। और एक आज के युग में भी भाई होता है, भाई मरे चाहे कुछ भी हो लेकिन भाई को कोई चिंता नहीं होती है। मैंने इसी संसार में देखा है कि एक भाई बहुत करोड़पति है और एक भाई बहुत गरीब है, तो करोड़पति वाला भाई कभी गरीब भाई की तरफ नहीं देखता है। लेकिन आज लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं तुम्हें छोड़ करके यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ। अब जो तीनों प्राणी चल दिए हैं भाई बहनों, तो कौशल्या ने आज लक्ष्मण का हाथ और राम के हाथ में दिया और चलते वक्त एक बात कही है कि राम 14 वर्ष में तेरे लिए कुछ भी हो जाए लेकिन आज जैसा मैं तुझे लक्ष्मण दे रहा हूँ, 14 वर्ष के बाद मुझे ऐसा ही लक्ष्मण चाहिए। सुमित्रा भागती हुई आई, सुमित्रा ने राम का हाथ लिया, लक्ष्मण के हाथ में दिया और जवाब दिया, लक्ष्मण तेरे लिए कुछ भी हो जाए लेकिन 14 वर्ष के बाद में राम मुझे ऐसा ही चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखना लक्ष्मण, ये सीता जो जा रही है ये तेरी भाभी नहीं है, ये तेरी माँ है, तेरी माँ। इस माँ को कभी तू गलत दृष्टि से मत देख लेना। लक्ष्मण ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, अरे 14 वर्ष की बात है, हम सपना कैसे देखेंगे। माँ ने कहा, सपने में भी कभी गलत दृष्टि से मत देख लेना। तो लक्ष्मण जी ने माँ से कहा है कि माँ तू चिंता मत कर, हम 14 वर्ष तक सोएंगे ही नहीं, जो मुझे सपना आ जाए मैं 14 वर्ष तक माँ के चरणों का दास बन करके इनकी रक्षा करूंगा। तीनों प्राणी जब बन के लिए चले हैं प्यारे भाई बहनों, आज उस अवध में ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत बड़ी घटना घट गई हो। महाराज